हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी ये बेंच लाइक पेंटिंग ऑन द वॉल, जिसमें मैंने वुड टेक्सचर देने का ट्राई किया है। ये मेरी बालकनी का वॉल है, इसमें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट किया है जिसके पीछे मुझे कुछ बेंच जैसा लुक देना था, तो मैंने एक्रिलिक पेंट से वुड टेक्सचर देने का कोशिश किया। सबसे पहले वॉल पर मैंने पेंसिल से एक रफ स्केच ड्रॉ किया जो कि मुझे पेंट करना है। बेस को मैंने ब्राउन कलर से पेंट किया। इसको पेंट करने के लिए मैंने थिक ब्रशेस वाला ब्रश यूज़ किया है जो कि जनरली ऑयल पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। सिंस ये थिक ब्रश है और मैं वॉल पे डायरेक्ट पेंट कर रही हूँ एक्रेलिक से, सो पेंट करते टाइम कुछ टेक्सचर्स आते हैं जिनको मैंने स्मूथ नहीं किया एंड एज इट इज़ रखा ताकि वो वुड जैसा लुक दे, कहीं पर लाइट कहीं पर डार्क। सो आई जस्ट कंटिन्यूड विद नॉर्मल कलरिंग। मेरा डिज़ाइन ऐसा था कि चार वुड प्लैंक हैं जिनको साइड में मैंने स्क्रूज लगा रखे हैं, इसीलिए मैंने सर्कल सा स्पेस छोड़ रखा वहाँ पे। एक्रेलिक वाटर बेस्ड होता है, मैंने कलर को कहीं पे भी स्मूथ करने की कोशिश नहीं की, जस्ट एज इट इज़ आई वांटेड दैट नेचुरल टेक्सचर। जब भी आप वॉल पे डायरेक्टली एक्रिलिक पेंट से या किसी भी वाटर बेस्ड पेंट से कलर करते हैं सो वो इमीडिएटली ड्राई होने लगता है और कुछ टेक्सचर अपने आप छोड़ने लगता है, एंड मुझे लगा कि वो वुड लाइक टेक्सचर के लिए बहुत ही अच्छा है एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर द बेस कलर। आगे मैंने और टेक्स्चर देने के लिए मैंने डिफरेंट ब्राउन कलर्स यूज़ किए हैं, डार्क लाइट, मैंने बीच में ब्लैक पेंट का भी यूज़ किया है। ब्रश मैं सेम यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने बेस पेंट किया, सेम ब्रश को विदाउट वॉशिंग मैंने टिप पे डिफरेंट कलर्स लिए ब्राउन कलर के और उनको जस्ट लीनियर स्ट्रोक देते हुए टेक्सचर दिया। मैंने ऐसा कोई रूल नहीं फॉलो किया कि मुझे कौन सा ब्राउन कलर ही यूज़ करना है, सो जो भी ब्राउन कलर मेरे पास अवेलेबल था मैंने सारा ब्राउन कलर यूज़ करके ऊपर स्ट्रोक्स दिया है। किसी भी रॉ वुड प्लैंक में इफ़ यू नोटिस एक आई जैसा कुछ मार्क होता है जो ट्री से डायरेक्ट कट होने के बाद होता है, सो यहाँ पे मैं कुछ सर्कल जैसा मार्क करके और उसको आई जैसा लुक देकर फिर से सेम लीनियर स्ट्रोक में अपने ब्रश को चला रही हूँ जिससे थोड़ा सा वुड जैसा लुक आएगा। अभी यहाँ से क्लोजली देखिए हाउ आई मेक दिस आई लुक ऑन द वुड। कहीं पे भी स्मूथ नहीं किया, एज इट इज़ जो भी नेचुरल टेक्सचर आई वॉज गेटिंग फ्रॉम द ब्रश आई केप्ट देम एज इट इज़ एंड अगेंस्ट डिफरेंट कलर्स को ब्रश के टिप पर लेकर मैंने लीनियर स्ट्रोक्स दिया, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक।
टिप ब्रश में थिक ब्रसल्स हैं जो कि बहुत ही हेल्प किया टेक्सचर देने के लिए। वुड प्लैंक में मैंने एक या दो आई मार्क्स बनाए हैं जिससे कि रियल वुड लगे लाइक दिस। अभी वुड प्लैंक का बेस रेडी है बट अभी टॉप एजेस एंड बॉटम एजेस आर स्टिल रफ। हम उनको स्मूथ करेंगे कलरिंग से। सो टॉप में मैंने ब्राउन कलर ही यूज किया है। बॉटम एज के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया है मैंने डेप्थ दिखाने के लिए, शेडो के लिए, क्योंकि अगर वुड प्लैंक में डेप्थ है तो वो नीचे की तरफ थोड़ा डार्क रहेगा। टॉप एंड बॉटम एजेस फिनिश करने के बाद मैंने साइड एजेस में थोड़ा क्रैक लुक दिखाने की कोशिश की बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पेंट द रॉ वुड। सो इसमें भी मैंने डार्क कलर और ब्लैक, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का यूज़ करके ऐसे क्रैक्स दिखाए हैं। पेंट करने के बाद मैंने स्क्रूज़ के लिए डार्क ग्रे कलर यूज़ किया है। आई जस्ट मिक्स्ड ब्लैक एंड वाइट एंड गॉट दिस कलर। ग्रे कलर से सर्कल पेंट करने के बाद बीच में ब्लैक कलर से एक लाइन जैसा पेंट किया। बॉटम साइड ऑफ द स्क्रू आई ट्राइड टू गिव सम डेप्थ बाय पेंटिंग द शेडो यूजिंग ब्लैक कलर। शैडो के अपोजिट में शाइन दिखाने के लिए मैंने वाइट पेंट का यूज़ किया।
सारे स्क्रूज पेंट हो जाने के बाद मेरा बेंच लुक ऑलमोस्ट रेडी है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। अभी जो मुझे बस इनकम्प्लीट लग रहा है वो है ये है कि वुड प्लैंक्स के बीच में जो वॉल कलर लिख रहा है दैट शुड बी लिटिल डार्कर बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द प्लैंक। सो मैंने वॉल कलर से जस्ट लिटिल डार्कर कलर बनाया एंड उससे पेंट किया वुड प्लैंक्स के बीच में। ये फिनिश होने के बाद मेरा बेंच लुक रेडी है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कैसा लगा, और अगर आपने अभी मेरा बालकनी मेकओवर वीडियो नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच इट ऑन माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।